ऑल राइट आकामी, तो भाई अपन आ चुके हैं अपने हैंगार में। और भाई आज एक इवेंट आया है, मीन्स एक ग्रेट रश में इवेंट आया है और उसे कंप्लीट करना है, जिसका नाम है क्रायो लॉन्चर 8। यहाँ पे अपन को मिल सकता है, और इसके लिए भाई एक टोकन अपन को डिमांड में चाहिए। ये रहा टोकन, इवेंट और शॉप से मिल सकता है, तो भाई इवेंट में देखते हैं। तो इवेंट चलो देख लेते हैं भाई। इवेंट यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखो तुम्हें 5 लाख क्रेडिट्स उड़ाने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें एक टोकन मिलेगा, और फिर उसके बाद एक टोकन से ही किस्मत अच्छी रही तो भाई तुम समझ सकते हो, है ना। तो भाई चलो देखते हैं अपने मार्केट में क्या क्या करना है अपने को। तो एयर्स लेकर पैसे उड़ा सकते हो, और वेपन्स में क्या लेना है, मिसाइल रैक तो फ़िलहाल नहीं, आग टोरेंट की सोच रहा है ना। और तो क्रेडिट्स कहीं पर नहीं उड़ सकते। ओके तो अभी क्या करना है यही अपन डिसाइड कर रहा, क्योंकि 5 लाख खर्च करने हैं तो भाई एयर्स पे ही खर्च कर देते हैं। बहुत दिनों से अपने सोचा था एयर्स ख़रीद ले, तो भाई चलो इसको भी ख़रीद लेते हैं, गेट पे क्लिक कर देते हैं। ओके सो चलो भाई एयर्स आ चुका है। ओके भाई अपने को एयर्स मिल चुका है, और भाई एयर्स एरीज तुम्हें तुम लोग इसको बोलते हो, लेकिन अपन इसे एयर्स बोलता है। ओके तो अपना अलग ही चलता है ब्रो। तो एयर्स मिल चुका है अपन को, और भाई यहाँ पे आर्क टोरेंट 10 भी लेना है, आई मीन आर्क टोरेंट 6 है ना, ये आर्क टोरेंट 6। ओके ये भी लेना है मेरे को, तो ये भी ख़रीद लेते हैं। देखो बहुत सारे क्रेडिट्स हो चुके हैं, और इसकी डैमेज देख सकते हो, स्टैट्स वगैरह जो भी है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो भाई इसको भी ख़रीद ही लेते हैं, एपिक वेपन है, चलो भाई ख़रीदते हैं। ओके सो आर्क टोरेंट 1 दिखा रहा है, लेकिन ये 2 कॉपी एक्चुअली मिलती हैं। ओके आर्क टोरेंट की 2 कॉपीज़ मिल चुकी हैं, और ये अपना टीयर भी कंप्लीट हो जाएगा साथ ही साथ। तो चलो भाई देखते हैं कितने हमने जमा कर रखे हैं, पायलट वगैरह का क्या मिला है। ये भी इस पर भी कुछ पैसे उड़ा देते हैं अपन, है ना। तो पायलट्स के भी 10-10 हज़ार उड़ा देंगे, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। 5 लाख हुए नहीं अभी तक। ओके कोशिश करेंगे कि 5 लाख, काफ़ी करीब पहुँच गए 5 लाख के। ओके सो काफ़ी करीब पहुँच गए अभी। चलो इनको पता चल गया अपन एयर्स और ऑक्टोरेंट ले लिया, एड्स दिखाना शुरू। ओके अभी चलो देखते हैं कितने हमारे क्या क्या मिले हैं। इसमें क्रेट्स भी ओपन हो रहे थे, देखो गोल्डन क्रेट्स ओपन हो रहे हैं, ये सब मिलेंगे मेरे को 20, 40, 60 और 80। चलो 100 वाला नहीं मिला। ओके कोई नहीं, 4 क्रेट्स अभी खुलने वाले हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या मिला है यार। एक्वाइंस किसी में मिल जाए, एक्वाइंस भाई एक्वाइंस चलो इसमें मिले, 9 एक्वाइंस अच्छी बात है। ओके इसमें नहीं मिला, चलो कोई नहीं। और तकरीबन कितने चाहिए, 17,000, आई मीन कितने बोलते हैं भाई, 17,680 चाहिए भाई अपने को। ओके तो इसके लिए क्या करें भाई, क्या करें, चलो गियर अब में ही देख लेते, किसी को अपग्रेड कर देते किसी मेक को, चलो हाँ भाई। ओके तो यहाँ पे इम्प्लांट पार्ट्स कौन सा मिला मेरे को, नया सा एम्बर गन मिला है ना। ओके चलो अभी कोई मेक को अपग्रेड कर देते हैं, तब 18,000 अपने उड़ जाएंगे। ओके चलो देखते हैं किसको अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आरपीजी ये तो बड़े सस्ते में निपट रहा, नहीं नहीं। ओके मुझे लगता है किसी वेपन को अपग्रेड करना पड़ेगा, आई मीन मेक को, एयर्स को अभी नहीं करने वाला अपन। ओके मेक को देख लेता है ना, चलो जगरनॉट को कर लेते हैं, जगरनॉट को देखते हैं भाई 7500। ओके कार्ड्स भी हैं तो अगला लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा भाई, ये भी कर लेते हैं। ओके तो भाई इसी के साथ 18,000 खर्च हो चुके हैं अपने, अब मिल चुका है अपन लोगों को 5वां कार्ड भी, आई मीन 5वां टोकन भी मिल चुका है, जो भी यार वो जो भी है, इवेंट पॉइंट्स मिल चुके हैं, और भाई इसी के साथ मेरे को टोकन मिल चुका है फ्री में। ओके बहुत मज़े आ गए, अभी देख तो अपनी लक को आजमाते यार, वैसे तो अपना लक बहुत बेकार है। चलो भाई यहाँ पे 16 टोटल है ऑप्शंस। ओके चलो भाई स्किप नहीं करना है, जो मिला सो मिला भाई, इस बार लक नहीं ख़राब होना चाहिए। ये भाई मेरे को क्रायो लॉन्चर 8 मिल गया भाई, लिटरली उस वाली आईडी में नहीं मिला था मेरे को, इसके पहले वीडियो अपन ने डाली थी भाई, क्रायो लॉन्चर 8 मिल चुका है मेरे को भाई। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसी यार, नई आईडी सच में काफ़ी लकी है यार। टीयर 4 का ये वेपन है, और टीयर 4 के भी 3 स्टार्स मैंने कम्प्लीट कर लिए यार, काफ़ी अच्छा लगा यार। और इनको पता चल गया अपन ने ले लिया, एड्स पे एड्स शुरू। और भाई इसी के साथ इसी तरह से क्रायो लॉन्चर मिला है। ओके अभी चलते हैं वेपन सेक्शन में, रेड रेड दिखा रहा है, क्रायो लॉन्चर नया वेपन आया है ना इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके तो भाई क्रायो लॉन्चर फाइनली अपन को मिल चुका है, अब देखते हैं, अब इसको टेस्टिंग करने की नबारी है। तो भाई देखते हैं किस मेक पे एयर्स अभी है। ओके तो एयर्स भी अनलॉक हो चुका है, आर्क टोरेंट भी अनलॉक हो चुका है, तो उसको भी खेल लेते हैं अपन, ठीक है। आर्क टोरेंट से भी खेल लेते हैं और क्रायो लॉन्चर से भी खेल लेंगे। ओके
आर्क टॉरेंट कहाँ गया भाई? 6 लेवल का ना, नीचे होगा। एक मिनट, ये रहा, हाँ आर्क टॉरेंट ये रहा। चलो भाई आर्क टॉरेंट के साथ अपन खेलेगा। ओके और भाई चलो अब आ ही गए तो चलो भाई सीपीसी खेल लेते हैं। ऑल राइट बेड़ो लोग, तो भाई अपन आ चुके हैं बैटल करने। और ये भाई 2v2 अपन ने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यार क्लोज मैप अपन भूल ही गया था कि आर्क टॉरेंट के साथ अपन को खेलना है। और भाई इसको आर्क टॉरेंट को क्लोज मैप में ही यूज़ करना पड़ेगा। और भाई विदाउट पायलट अपन आ गया, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई। इसको मारेंगा। और भाई शील्ड इसकी बचा ली, शील्ड नहीं इसकी बचाई यार मेरे को, वरना फर्स्ट ब्लड मिल गया, वरना मेरी बैंड बचती। लिटरली इसका रेंज बहुत कम है यार, पायलट्स लगाना बहुत, इसलिए हमेशा अपन तुमको रिकमेंड भी करता है कि पायलट्स लगा लिया करो रेंज बढ़ाने के लिए, बिकॉज इसकी रेंज इतनी घटिया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने CPC भी खेला है ठीक है, और 2v2 में अभी आया है। और ये कहाँ जा रहा है, CPC भी मैंने खेला भाई, बहुत मुश्किल है यार। हाँ तो CPC भी अपन ने खेला है, और भाई CPC में काफ़ी बैंड बजी यार, इसलिए अपन 2v2 मैप में आ गया वापस से ठीक है। तो CPC वाला क्या ही यार बताऊँ। और भाई जो भी रहता अपन ओरिजिनल बता देता कि हाँ भाई कहाँ हार हुई कहाँ जीत हुई, ऐसा नहीं कि भाई अपन लेकर गया CPC में एकदम झंडे गाड़ दिए। नहीं भाई वहाँ पे बैंड बची है, इसलिए भाई अपन ने डिसाइड किया कि भाई क्लोज मैप में ही यानी 2v2 मैप में खेलते हैं इसको। अरे रुक जा, हाँ भाई मर गया। ओके क्लोज मैप में खेलने का फैसला किया, बिकॉज इसकी रेंज बहुत कम है ना, अपन ने इम्प्लांट्स भी नहीं लगा रखे, पैलेट्स भी कुछ भी नहीं लगा रखे, और यही गड़बड़ है। और यही गड़बड़ है भाई, ऐसा कभी मत करना तुम लोग। और भाई मार दिया, मार दिया, कभी ऐसा मत करना तुम लोग कि विदाउट रेंज बढ़ाए हुए तुम लोग आ जाओ आर्क टॉरेंट या फिर शॉटगन के साथ। पता नहीं कैसे आ जाते हो यार तुम लोग, बैंड बच जाती है लिटरली, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ओके और भाई मैंने कोशिश की लेकिन यार CPC में बंटा धार है, विदाउट पायलट के तो बहुत बुरी हालत है। ओके और ऊपर से 3 मैक्स अपन ने ले आए, 2 मैक्स लाता तो बात भी बन जाती है। ओके इसको मारेगा, ओके भाई मार दिया, 4 किल्स, कितने किल्स मैंने किए भाई, रिवेंज हो गया मेरे। ओके एयर्स को सबसे पहले लाएंगे, तुम लोग एरीज बोलते हो यार, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ भाई एयर्स बोलता, अपन जो बोल दिया सो बात ख़त्म। ओके अपना यही स्टाइल है। और भाई देखो रेंज की प्रॉब्लम हो रही है, बट अपन इसको तो मार सकते हैं। अबे रुक जा, ओए ओए मर गया भाई, बहुत डैमेज कर दिया यार इन्होंने लिटरली यार। आर्क टॉरेंट को संभालना काफ़ी मुश्किल है, एक तो मेरा क्लोज रेंज में यार स्क्रीन फूटी हुई है, काफ़ी मुश्किल होते हैं भाई। असिस्ट मिल गया मेरे, मेरे किल चोरी कर दिया यार इसने, बहुत गलत बात है यार। टैंक लेकर MD लाया है भाई, टैंक में एक तो ये है यार, तू टैंक नाम से आया, ये क्या है भाई, टैंक जो भी फ्रैंक, अरे बहुत मुश्किल है यार लिटरली भाई। क्लोज कॉम्बैट में मेरे को स्क्रीन फूटी है ना, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है यार क्लोज रेंज में खेलना। और मैं मर गया, मुझे पता था। टैंक TSK भाई जो भी है, TSK नाम है ना, अच्छा TSK भाई क्या बोलूँ यार, मेरी फूटी हुई स्क्रीन, मेरी फूटी। टैंक नाम का भी कोई बंदा है क्या यार, पता नहीं अपन से। ए भाई, अबे भाई ये टस्क और टैंक के चक्कर में मेरे को बैंड बच गई यार, मैं जानबूझ के वैसे हार गया, कोई नहीं हारने के बाद यही ना बोलूँगा और कोई नहीं भाई, तीसरे राउंड तक खींच जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखते हैं। अरे मारो 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 इसे मारो, अबे मारो, अपन हार रहे हैं यार वैसे भी। अपन ने सोचा था सच में हार जाएंगे तो एक और राउंड में मौका मिलेगा, कम से कम ज़्यादा किल्स तो हो जाएंगी, लेकिन यार यहाँ तो सच में हार रहे यार, मैंने तो सोचा था बस ओनली। ओके नहीं, अबे मेरी भी हेल्थ बहुत कम हो गई है। और डॉग फिश कुत्ते की मौत लिटरली मारा गया यार लिटरली वो क्या कर रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो भाई पिटने के लिए आया, वो इनका स्कोर बढ़ाने आया। अरे भाई अपन को तो छोड़ दो, अबे रुक जा, बच गया। मेरे को लगा कहीं पिंग चला जाता ना यार, तो अपन इवन सेफ होने के बाद भी पिट जाता। ओके भाई चांसेस बहुत कम है यहाँ पे, हेल्थ मेरी देख रही हो तुम लोग, देख रही भी होगी, कोई नहीं भाई। अरे और भाई चाहकर भी अपन नहीं मार पाया उससे। ओके कोई नहीं, तीसरे राउंड में अपन आ गए, सबका बदला लेंगे। एयर्स आ गया फिर से, और भाई इसी का एयर्स और आर्क टॉरेंट का कॉम्बो चल रहा है, तो तुम लोग देख सकते हो यार कहाँ कैसा कॉम्बो लग गया। तो भाई क्या बोलते हैं उस स्टाइल को, बोलते हैं चल गया तो शाम तक, वरना पता नहीं यार कुछ होता ना वो डायलॉग, पता नहीं तुम लोग कमेंट में बता देना यार कैसा डायलॉग होता है, मैं भूल गया। लेकिन यही एयर्स का भाई लग गया ना अगर निशाना तुम्हारा, तो भाई तगड़ा टॉरेंट मारता है यार, टॉरेंट बहुत तगड़ा मारता है। बट ऐसे मेक से बच के दो यार, तुमको मैनिपुलेट करते हैं ठीक है, ऐसे मेक से बचकर। और भाई अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे क्रायो लॉन्चर का क्यों नहीं दिखा रहा, क्रायो लॉन्चर का भी अपन दिखा देगा गेम प्ले। रुक जाओ भाई, पहले नए वेपन को अनलॉक किया है इसको तो टेस्टिंग कर ले।
नए मेक और वेपन जो भी है सब कुछ है भाई, सबको टेस्टिंग कर लेंगे। अरे रुक जा रुक जा भाई, इसने भी आर्क टोरेंट लाया था, सॉरी गॉस राइफल है, ले भाई। इसने मेरे को मार दिया, मैं इतना अंधा हो गया हूँ भाई, लिटरली मेरे को पता नहीं चलता, कमेंट्री में कभी कभी बिजी हो जाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही पता नहीं। तुम्हें लग रहा होगा मैं अंधा हो गया ना, कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ भाई, मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है, बिकॉज मेरी स्क्रीन बहुत फूटी हुई है यार, मैं फूटी किस्मत है। और भाई लाइव में भी कई बार अपने बता रखा है इसको मारेगा भाई, किल्स चोरी कर रहे हैं ये बंदे, लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा यार एयर्स विद आर्क टोरेंट, बिकॉज इसके पास रेंज का इम्प्लांट है नहीं, पैलेट्स वैलेट्स कुछ है नहीं, इसलिए भाई 33 मीटर इसका रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, तो भाई बहुत मुश्किल है। इसलिए अपन हमेशा रेकमेंड करता है कि भाई पायलट ले लिया करो। मैंने तो जबरदस्ती बोल रहा हूँ, विदाउट पायलट के ऐसे ही खेलने का प्रण ले लिया था और भाई ऐसे ही आ गया मजा कुछ। बाद में मेरे को याद आया कि भाई गलती मैंने कर दी, तो भाई कुछ अब आ गए तो आ गए भाई, इसी से खेल लेते हैं और क्या ही कर सकते हैं। ओके चलो भाई रिवेंज कर लिया और भाई अपन ही जीतेंगे, और भाई जीत गए अपन आसानी सही, 2-1 का स्कोर है, 2 राउंड अपन जीते, 1 राउंड उनको दे दिया ऐसे अपन ने। चलो कोई नहीं, इसी के साथ अपन को 10 किल्स कर दिए यार एयर्स ने, वाह बहुत अच्छी बात है यार, 3 राउंड में लाकर है वैसे ये। चलो कोई नहीं, इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, 1500 सब्सक्राइबर्स अपन लोगों को पहुँचने हैं ना। ओके तो काफ़ी मज़े आ गए और यहाँ पे फाइनल स्कोर देख सकते हो काफ़ी अच्छा। ऑल राइट डार्क आर्मी, तो भाई अपन आ चुके हैं अपने हैंगर में और ये अपडेट के बाद का है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ही बाद में हो रही, बिकॉज क्रायो लॉन्चर जो कि अपन ने अनलॉक किया था उसकी टेस्टिंग अपन ने वीडियो नहीं बनाई थी, वो लाइव में ही सीधे लाइव स्ट्रीम में टेस्टिंग की थी, तुम में से कई लोगों ने देख रखा होगा। तो चलो आज बैटल कर लेते हैं इससे। ओके ऑल राइट बेड़ो लोग, तो भाई अपन आ चुके हैं बैटल करने और मैप मिला है फॉरबिडन सिटी पक्का, और ये भाई बफरिंग किसकी हो रही थी भाई ऊपर वाले बंदे की। कोई नहीं भाई, अपन ने जगह नॉट को क्रायो लॉन्चर टेस्टिंग के लिए दे दिया है, बिकॉज अभी देखो क्रायो लॉन्चर टेस्टिंग करने की बारी, ये देखो टेस्टिंग कर लेते, ले भाई यहीं पर टेस्टिंग हो गई और दोनों जगह नॉट। और भाई लुक तो थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन ये स्किन पुरानी है। ओके ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है, सब कुछ अपडेट आ चुका है, तो भाई इसलिए अपन ने अपनी वीडियो में भी बता रखा है ये स्किन पुरानी है, पहले भी ऐसी स्किन थी। और भाई क्रायो लॉन्चर टेस्ट करने आया ना, चलो भाई बकवास नहीं करते, यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। और ले भाई हो गया, इसकी 90 मीटर की मैक्सिमम रेंज है और घंटा दूर में तो बहुत नुकसान होता, और भाई नज़दीक में भाई मैंने इसको मार दिया, फर्स्ट ब्लड नहीं मिला। ओके कोई नहीं, चल किसने चोरी कर ली होगी, चलो कोई नहीं, नया वेपन है ना टेस्टिंग करने आया है, आई होप कि इससे कुछ गॉडलाइक वगैरह कर ले यार, कम से कम अनस्टॉपेबल तो भाई मांगता है, क्योंकि ये वेपन अच्छा नेड लॉन्चर से एज कंपेयर करो, डायरेक्ट कंपेयर करो तो थोड़ा डैमेज कम है, लेकिन भाई ये स्टेसिस इफेक्ट भी डालता है। चलो दो किल्स और सबसे अच्छी बात इसका एरिया डैमेज। ओके इम्प्लांट्स वगैरह लगा लोगे पैलेट्स के साथ तो ये तीसरा गया, हाँ तो क्या बोल रहा था, तो इम्प्लांट्स वगैरह लगा लोगे तो काफ़ी अच्छा एरिया डैमेज अगर तुम बढ़ा दोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और इसका स्टेसिस इफेक्ट काफ़ी अच्छा है यार, तुम्हें स्टेसिस कर देता है। और इसकी जो रेंज है वो नेड लॉन्चर से थोड़ी ज़्यादा है, 10 मीटर ज़्यादा, उसकी 80 है इसकी 90 है। ओके तो नेड लॉन्चर से डायरेक्ट अगर फाइट होगी तो तुम लोग उससे थोड़ा सा अपर हैंड हो सकता है तुम्हारे पास। ओके इसको मारते हैं, लेकिन देखो नेड लॉन्चर्स एंड ये जो क्रायो लॉन्चर्स हैं ना, ये देखो ऊपर से होकर जाते, एक आर्क ट्रैजेक्टरी इनकी होती है, तो भाई अगर बिल्डिंग्स के नीचे तुम छुपे हो, कुछ जैवलिन एक्स की तरह इसको मार दिया भाई, अपन ने मार दिया, चलो जैवलिन एक्स की तरह छुपे हुए हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके डायरेक्ट हिट नहीं मारता लेकिन काफ़ी अच्छा वेपन ये मेरे को लगा। ठीक है, इसके साथ अपन ने लाइव में भी काफ़ी सारे बैटल्स कर रखी हैं, तुम लोगों ने भी देखा होगा। ओके सो यहाँ पे एक तुमको वीडियो भी बनानी ज़रूरी थी ना, इसलिए बना दिया अपन ने। ओके तब से वो वीडियो अपलोड नहीं की थी, ले भाई बच गया, लेकिन मर गया भाई। इसका एरिया डैमेज मैंने बताया ना, एरिया डैमेज है भाई, इम्प्लांट लगा दोगे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, दैट्स वाई। अब इसको मत मारना यार, इसको कहाँ से मारूँ, इधर से भी नहीं मार सकता, और इधर से भाई जग्गू बहुत स्लो है यार, जग्गू अपन इसको जग्गू बोलता है, ठीक है। और भाई मार दिया मेरे जग्गू ने, जग्गू के शिकार को खा लिया यार तूने, गलत बात किया यार, ये गलत है। ओके चलो इसको मारेंगे भाई, देखो स्लो में के यही डिसएडवांटेजेस होते, पता नहीं चलता यार, चलते यार बुढ़े, अबे चल जा चल बे, चलते यार बहुत नुकसान हो जाता है, मीन्स बंदे मार देते हैं यार दुश्मनों को, हमारे शिकार को ले लेते हैं यार, ये गलत बात है। चलो इसको मारेंगे, ओके भाई एरिया भाई, देखा तूने, दो लोगों को एक साथ इंपैक्ट पड़ा। ओके अभी मार देगा अपन इसको, मार देगा और भाई मार दिया मैंने इसको, और ये भी थोड़ा सा बचा, बस अरे शॉटगन से दूरी, और भाई गया, और मार दिया मैंने इसको अनस्टॉपेबल। ओके पहला टारगेट कम्प्लीट हो गया, गॉड लाइक कर सकते हैं क्या अपन, हाँ भाई हेल्थ तो ठीक ठाक है और भाई चांसेस तो हैं, और भाई शिकार कहाँ है यार, बहुत स्लो है। ठीक है अपन ने अलग अलग मिक्स पे ट्राई किया इसको,
इस वाले वेपन को उस पर भी ट्राई किया है स्लिंग शॉट पर, लेकिन स्लिंग शॉट है कि जल्दी मर जाता है, इसलिए अपन हमेशा बोलता है कि वेपन अगर ट्राई करना चाहते हो तो कोई ऐसे मेक पे करो जो जल्दी ना मरे। किल शॉट आई मीन स्लिंग शॉट जो तुमने देखा है वो तो एक शॉट में मर जाता है आजकल, मेरा तो बिल्कुल भी अपग्रेडेड नहीं है वैसे भी। ओके चलो इसको मारते हैं, और भाई मर जा मर जा मर जा मर जा भाई। ओके बच गया, एक और शॉट का मेहमान है। चलो फिर भी काफ़ी अच्छा वेपन है यार, एक ही होल्ड कर सकता था जगरनॉट, इसलिए एक ही लाया मैंने। ओके मर गया भाई, 8 kills। ओके भाई दो और किल्स निकल जाए किसी तरह। 91 हो चुका है, ये गया 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 गया। अरे थोड़ा सा बच गया यार, थोड़ा सा बच गया। नहीं 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 भाई, मेरे शिकार को कोई मत खाना। नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे नहीं 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 भाई मत खाना। रैम्पेज 9 kills भाई भाई, एक किल। और कोई आ गया आ गया आ गया भाई, इसको मार देंगे। भाई रुक जा। और भाई शिट, फिर विद इन फ्यू मिली सेकेंड से बच गया यार। फिर से मेरा हमेशा यही रहता है 9 kills, हमेशा गॉड लाइक से कैसे बच जाता है यार। स्टॉकर में भी वही हुआ, और भी पैरागॉन में भी यही हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर जो भी है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई टेलीग्राम ग्रुप लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मज़ा आया वैसे। क्रायो लॉन्चर एक बहुत ही अच्छा वेपन है, इसके और भी गेम प्लेज ला सकता है अपन अलग अलग मिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे स्कोर भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है यार। ओके सो चलो अपन चलता है ब्रो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक तुम्हें इन्जॉय करते रहना लाइव स्ट्रीम्स वगैरह। ओके चलो अपन चलता है, बाय बाय।